हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सबसे पहले ओपन कर लेना है। तो यहाँ से ये एक्सेस ओपन करता हूँ, मेरे पास 2021 है। अगर आप 2007 भी यूज करते होंगे तो लगभग प्रोसीजर सेम ही है इसमें। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करता हूँ ब्लैंक डाटाबेस पर, और ब्लैंक डाटाबेस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ से क्रिएट पे क्लिक कर देंगे, और क्रिएट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से फिर हमें क्रिएट पे जाना होगा। इसको क्लोज कर देंगे क्योंकि हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें तो जाना है एसक्यूएल व्यू में। तो यहाँ पर आ जाएंगे और सबसे पहले टेबल बनाएंगे। तो टेबल बनाने के लिए हम क्रिएट कमांड लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं टेबल, तो क्रिएट टेबल हो गया। फिर टेबल का नाम देना होता है, जैसे स्पोर्ट्स नाम से टेबल बनाएंगे, शॉप नाम से बनाएंगे, किस नाम से बनाएंगे वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ शॉप नाम से बना लिया टेबल, और यहाँ पे सबसे पहले तो क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट का नेम लिखेंगे। तो यहाँ कर देते हैं नेम, अंडरस्कोर लगा के लिखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि गैप थोड़ा सा यहाँ दिक्कत करता है। और यहाँ पे डेटा टाइप पहली बार मैं रखता हूँ वेयर केयर, और उसकी साइज रख देता हूँ 20। कॉमा देते हैं, कॉमा देने के बाद क्या करना है आपको, जैसे ही कॉमा देते हैं तो कॉमा देने के बाद यहाँ पर प्राइस डालना है, और प्राइस का डेटा टाइप हम दे देते हैं करेंसी। करेंसी हो गया ये प्राइस का डेटा टाइप, और करेंसी होने के बाद यहाँ पर फिर कॉमा लगाएंगे, और कॉमा लगा करके यूनिट की बात करेंगे। यूनिट यूनिट हो गया ये, यूनिट को हम डेसिमल रखेंगे, तो यहाँ पे फ्लोट डेटा टाइप कर देता हूँ यूनिट को। ठीक है, हम इसको यहीं तक रख करके और इसको टर्मिनेट करते हैं, आप इसको चला सकते हैं हम। तो यहाँ से इसको सेलेक्ट करके रन कराएंगे तो आप देखते हैं यहाँ पे टेबल एक बन गई है। ठीक है, अब यहाँ पर चीजों को आप लेके आ सकते हैं, इंटर करवा सकते हैं, लेकिन इंटर भी कैसे करवाएंगे तो आइए उसके लिए क्वेरी लगा के देखते हैं। ठीक है, इस क्वेरी को पहले मैं सेव करता हूँ क्योंकि इसी क्वेरी की वजह से ये टेबल बनी हुई है, तो मैं इस क्वेरी को सेव कर देता हूँ टेबल क्यू के नाम से, टेबल क्यू। तो ये हो गया टेबल और फिर क्यू हो गया, तो ये टेबल क्यू के नाम से सेव हो गया। और टेबल क्यू के नाम से सेव करने के बाद इसको सेव कर लेंगे, और सेव करके इसको क्लोज भी कर देंगे। क्लोज करने के बाद यहाँ पर आते हैं क्रिएट पर, और क्रिएट पे आने के बाद क्वेरी डिजाइन पे आते हैं, और क्वेरी डिजाइन पे आने के बाद एसक्यूएल पे आते हैं। एसक्यूएल पे जैसे ही आते हैं तो इसको हटा देंगे, और हटाने के बाद क्या करना है हमको, जैसे ही हटाते हैं तो यहाँ पर जो है हम एसक्यूएल व्यू में आएंगे। देखिए यहाँ पर जो है पहला जो है ये नेम ऑफ प्रोडक्ट है, तो अभी हमें यहाँ पर भी क्वेरी लिखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ सेलेक्ट कमांड चलाएंगे, तो ये हो गया सेलेक्ट। और यहाँ पर जो है किन किन चीजों को सेलेक्ट करना है, तो सबसे पहले तो नेम ऑफ प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना है, तो नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर प्रोडक्ट करेंगे, तो जैसे लिखा गया है ना बिल्कुल वैसे ही देना है। तो यहाँ पर क्वेरी देख लीजिए ये किस तरीके से ये आया हुआ है, ये नेम ऑफ प्रोडक्ट में पी स्मॉल है, तो जैसे है बिल्कुल वैसे ही आपको देना है सेलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कर दिया नेम ऑफ प्रोडक्ट, फिर कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगा करके फिर दूसरा जो है वो क्या है, तो दूसरा है हमारा यहाँ पर प्राइस, क्योंकि हम ऑलरेडी ये बना चुके हैं तो केवल हम फील्ड नेम यहाँ पे देंगे, तो प्राइस हो गया देन यूनिट देना है, तो ये दोनों ही दे देते हैं। तो यहाँ पर पहले देता हूँ प्राइस PRICE, प्राइस हो गया देन यूनिट कर देते हैं, तो ये यूनिट भी हो गया, और यूनिट देने के बाद इसको क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, यूनिट देने के बाद अब यहाँ पर कॉमा दे करके और ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं, तो हमें प्राइस को यूनिट से मल्टीप्लाई करना है, तो प्राइस मल्टीप्लाई बाई यूनिट कर देते हैं, तो ये इस तरीके से कर दिया। और इसको नाम दे देंगे एज टोटल कॉस्ट, अंडरस्कोर कॉस्ट कर देते हैं, और कॉस्ट करके और इसको क्या करना है अब यहाँ से टर्मिनेट, टर्मिनेट करने से पहले कहाँ से आएगा ये, तो फ्रॉम टेबल क्यू, टेबल क्यू दिया है ना, शॉप दिया शॉप, तो SHOP स्मॉल में शॉप है, तो ये शॉप से आएगा, तो ये हो गया। और अब यहाँ पे टर्मिनेट कर दीजिएगा। ठीक है, टर्मिनेट करके अब इसको चलाने की बारी है, तो ये टेबल क्यू पहले क्लोज कर देता हूँ, देन इसको यहाँ से सेलेक्ट करके और चला देते हैं। तो जब चलाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब कमाल देखिएगा, यहाँ शॉप टी वाले टेबल पे आते हैं और यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट का नेम एंटर करते हैं, लाइक यहाँ पर मैं एक नेम एंटर करता हूँ रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड ऑयल ये प्रोडक्ट का नया नेम हो गया, और यहाँ पे इसकी प्राइस आएगी, तो मान लीजिए प्राइस है 140 रुपए। ठीक है, और यहाँ पे यूनिट मान लीजिए 70 आपने परचेस किए। फिर दूसरे पे आते हैं, तो दूसरा यहाँ करते हैं मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल OIL ऑयल, और यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल की कीमत जो है वो डाल देनी है, तो यहाँ पे 130 रुपए प्राइस है, और मान लीजिए कि 50 किलो आपने परचेस किया 50 लीटर, तो ये हो गया। अब इस टेबल को क्लोज कर देते हैं, और क्लोज करने के बाद इस क्वेरी को भी क्लोज करेंगे सेव करके। तो सेव करते हैं पहले, तो यहाँ पे शॉप क्यू के नाम से सेव करता हूँ शॉप क्वेरी, तो ये हो गया शॉप क्वेरी। और शॉप क्वेरी के नाम से सेव करने के बाद यहाँ पर आते हैं, तो आपको देखिए टोटल कॉस्ट अपने आप नजर आएगा, देखिए ये अपने आप नजर आ रहा है यहाँ पर भी टोटल कॉस्ट। ठीक है, यानी जो भी आप टेबल में अपडेट करेंगे वो ऑटोमेटिक आपके क्वेरी में अपडेट होकर के टोटल भी आ जाएगा। यानी अगर मैं यहाँ पर कुछ और प्रोडक्ट लिखता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं हल्दीराम, ये लिखा मैंने हल्दीराम नमकीन, ठीक है नमकीन कर दिया, तो ये अब जब आप यहाँ पे आएंगे ना और प्राइस डालेंगे, जैसे मान लीजिए 100 ग्राम की प्राइस है 50 रुपए,
तो आपने जो है ऐसे 30 पैकेट परचेस किए तो ये अपने आप अपडेट हो जाएगा। फिर अगला प्रोडक्ट है तो यहाँ पर रेड REDकरते हैं, RED रेड चिली CHILLI रेड चिली पाउडर करते हैं, CHILLI रेड चिली पाउडर PODER, तो ये हो गया रेड चिली पाउडर। तो जैसे ही करेंगे ना और यहाँ पर आएंगे तो मान लीजिए रेड चिली पाउडर है 90 रुपए का एक पैकेट, ठीक है, आधा किलो का पैकेट है, 90 रुपए का एक पैकेट है और 20 पैकेट आपने मंगवाए, तो ये और दो प्रोडक्ट जो है अपडेट हो जाएंगे। जब इसको हम क्लोज करेंगे और क्लोज करके इसको भी क्लोज ही कर देते हैं और जब हम दोबारा इस क्वेरी को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सारी चीजें टोटल कॉस्ट के साथ अपडेट हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी कि ये कैसे करना है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशंस।